हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आई क्रिएट दिस एंगेजमेंट पार्टी मेकअप लुक। सो गाइस, आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है? अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइस, मैंने इस मेकअप लुक में जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, सो आप भी इसे अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने लिया है मंत्रा का गुलाब अर्क इंडियन रोज़ वाटर, एंड ये गाइस रोज़ वाटर है। मैं इसे एज अ रोज टोनर यूज़ करती हूँ। मैंने इसे अपने फेस पर स्प्रे कर लिया, देन फिंगर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड अप्लाई कर लूंगी। गाइज, ये मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। देन मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज लिप सीरम, एंड मैं इसकी 3 या 4 ड्रॉप लूंगी अपने फेस पर एंड अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। देन मैं अच्छे से इसे मसाज करूंगी। सो गाइज, जो ये रोज सीरम है ये रेडियंट ग्लो फेस सीरम है गाइज, एंड ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगी एंड मेरी जो स्किन है उसको सॉफ्ट स्मूथ बना देगी। सो गाइज, देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैंने लिया है ब्लू हेवन का स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री फेस प्राइमर, एंड ये जो प्राइमर है ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सो ये मेरे पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज कर देगा एंड जो मेरी स्किन है उसको सॉफ्ट स्मूथ बना देगा ताकि जो मेरा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो गाइज, मैंने इसे अच्छे से अपनी टी जोन से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। सो गाइज, देख सकते हैं आप। देन मैंने लिया है लोरियल का ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन इन द शेड NY आइवरी। सो गाइज, जो ये शेड है ये काफ़ी लाइट शेड है। सो अगर आपकी स्किन टोन लाइट है सो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। सो ये जो फाउंडेशन है ये सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन है, सो इजीली आपके फेस पर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। मैंने यहाँ ब्लेंड करने के लिए ये एक ब्लेंडिंग ब्रश ली है, एंड जो गाइज ये फाउंडेशन है ये SPF 70 के साथ आता है। सो ये मेरी स्किन को अच्छे से सन प्रोटेक्शन भी देगा। सो ये जो फाउंडेशन है ये हाई कवरेज फाउंडेशन है, एंड मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। एंड मैं इसे अपनी नेक पे भी अप्लाई करूँगी एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी गाइज। देन मैं अपने फेस पर कंसीलिंग करूंगी। कंसीलर के लिए मैंने लिया है ये मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट 10। सो गाइज, इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी स्मूथ है। सो मैं इसे अपनी अंडर आइज पर, नोज़ पर एंड अपने अपर लिप्स, चिन पर एंड फोरहेड पर भी अप्लाई करूंगी। सो गाइज, ये जो काफ़ी स्मूथ है इसका एप्लीकेटर एंड ईजिली मेरे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। देन मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी एंड इसे अच्छे से मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी गाइज। सो गाइज, मैं इसे वहाँ पर भी अप्लाई करूंगी जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट या पिंपल की प्रॉब्लम है। सो इसे वो अच्छे से हाइड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो मैंने अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए ले रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर, एंड गाइज इसे मैं डैब डैब करते हुए अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूंगी। सो गाइज, कई बार क्या होता है जो हमारा फाउंडेशन है वो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड करने पर अच्छा से सेट नहीं हो पाता। सो गाइज, उसके लिए मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। सो गाइज, जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो आप पहले वेट कर लीजिए देन स्क्वीज करके ही उसे यूज़ कीजिए। सो गाइज, आप इस बात का ध्यान रखें। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं ले रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने ये सेम मेबलिन फिट मी कंसीलर लिया है। मैं इसे अपनी आईज पर अप्लाई करूँगी एंड देन मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, ये जो कंसीलर है ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड ये फुल कवरेज कंसीलर है गाइज। मैंने इसे अपनी आईज को अच्छे से सेट कर लिया है। देन मैंने लिया है NY का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टे और कलर करेक्टरिस्टिक्स इन दी शेड ऑरेंज करेक्टर 10। सो गाइज, ये जो कंसीलर स्टिक है ये स्टिक फॉर्म में आता है एंड जो इसका एप्लीकेटर है वो काफ़ी स्मूथ है। सो इसका जो टेक्सचर है वो बटरी सॉफ्ट है। सो ये इजी अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो मैंने इसे अच्छे से कॉन्टोरिंग कर ली है एंड ये कॉन्टोरिंग के रूप में बहुत अच्छा वर्क करता है गाइज, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। एंड ये ओल्ड स्किन टाइप है एंड मेरे फेस पर ये नेचुरल फ्रिंज देगा। सो गाइज, ये जो कंसीलर है ये मीडियम कवरेज कंसीलर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड जो इसका एप्लीकेटर वो काफ़ी स्मूथ है। सो ये इजीली आपके फेस पर अप्लाई हो जाएगा। देन मैं अपने नोज़ की जो कंटूरिंग करी है उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। इससे जो मेरी नोज़ है वो काफ़ी शार्प दिखेगी। सो गाइज, मैं अपने फेस में मेकअप को सेट करने के लिए ले रही हूँ ये मेबलिन का वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर SPF 28 के साथ आता है गाइज ये, एंड इन द शेड पर्ल। सो गाइज, ये ऑल डे स्टे करता है एंड मेरे फेस पर फ्रेश लुकिंग कॉम्प्लेक्स देता है। देन मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने ली है वेट एंड वाइल्ड की ये वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल, एंड जो ये आईब्रो पेंसिल है ये काफ़ी स्मूथ है एंड इसकी जो शेड है वो 01 ब्लैक है, एंड मैं इसे अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। देन ये जो पेंसिल है ये एक ब्रश के साथ आती है गाइज, एंड मैं इसे अच्छे से अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। देन मैं इसे ब्रश के हेल्प से अच्छे से शेप दूँगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसने अच्छे से मेरी आईब्रो को शेप दे दिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देन मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये कलर आइकन आई शेडो 10 पैन पैलेट। सो गाइज, आप
ये देख सकते हैं, इसमें 10 जो कलर हैं वो आते हैं एंड कुछ जो कलर हैं वो शिमरी है एंड कुछ जो कलर हैं वो प्रॉपर मैट है। सो गाइज मैं इसमें से ये लाइट ऑरेंज शेड ले रही हूँ एंड मैं इसे अपनी आईज पर ट्रांजेक्शन शेड के रूप में अप्लाई करूँगी। सो गाइज मैं इसे ब्लेंड करते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए अपनी आईज पर अप्लाई करूँगी। सो गाइज आप देख सकते हैं ये कलर अच्छे से आ जाएगा एंड जो इसके कलर है उसका जो फॉर्मूला है वो बटरी सॉफ्ट है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे अपनी आई पर अप्लाई कर लिया है एंड जो इसकी शेड है वो रोज इन द एयर है। सो इसमें काफ़ी 4 और 5 शेड्स आती है एंड जो भी सारी की सारी जो शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो आप उनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं एंड जो ये वाली शेड है मैंने इसमें ये डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड मैंने इसे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक ब्लेंड करते हुए ले जाऊंगी। सो गाइज मैं इसे एक आउटर वी पर वी की शेप भी दूंगी, आप देख सकते हैं। सो इससे जो मेरी आई शेडो है वो काफ़ी शार्प दिखेगी एंड आप देख सकते हैं ये इजी ब्लेंड भी हो जाती है। सो इनका जो फॉर्मूला है वो इजी ब्लेंड फॉर्मूला है एंड ये हाईली पिगमेंटेड है गाइज आप देख सकते हैं एंड जो ये आई शेड पैलेट है इसमें से आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने इसमें पिंक शेड ली है एंड मैं इसे अपनी आई लीड पर अप्लाई करूँगी। सो मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी। सो आप देख सकते हैं आप अगर फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। सो इसे आप देख सकते हैं मेरी जो आईज है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रही है, आप देख सकते हैं। एंड जो ये आई शेडो पैलेट है इससे आप कोई भी वेडिंग मेकअप, पार्टी मेकअप या फिर किसी की एंगेज पार्टी मेकअप या फिर कोई भी हाई फंक्शन है उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैंने ये शिमरी सी वाइट शेड ली है एंड मैं इसे अपनी आई लिड के सेंटर में अप्लाई करूँगी फिंगर की हेल्प से। सो आप फिंगर की हेल्प से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर आप फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं। सो देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है। एंड देन मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की लिक्विड मेटेलिक आई शेडो एंड ये एप्लीकेटर के साथ आती है गाइज एंड मैंने इसे अपनी आई लिड के सेंटर में इसे अप्लाई किया है। सो गाइज़ ये जो आई शेडो है ये क्विकली ड्राई हो जाती है, ये एक अच्छी चीज़ है इसकी। एंड देन मैं इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी गाइज एंड जो इसका कलर है वो काफ़ी ज़्यादा शिमरी है। सो आपकी जो आईज़ है उसको एक शाइनी इफेक्ट देगा। देन मैंने लिया है ये आईलाइनर, आईलाइनर के लिए मैंने लिया है NYBA का लिक्विड आईलाइनर ग्रीन हिल्स आईलैंड एंड इन द शेड ग्रीन मोस 3। सो गाइज ये एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर है इसका एंड मैं इसे आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। सो गाइज मैं एक बोल्ड विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड ये क्विकली ड्राई हो जाता है गाइज एंड ये वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ है आप देख सकते हैं एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है। देन मैं मस्कारा के लिए ले रही हूँ ये मिस क्लेयर का मस्कारा, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है। सो ये काफ़ी देर तक स्टे करता है एंड आपकी जो लेस है उसको लेंथ ही एंड कर्ली बनाने में हेल्प करता है। सो गाइज़ अगर आपकी जो लेस है वो स्मॉल है सो इसे ये लॉन्गर एंड थिकर बनाने में हेल्प करता है। देन मैंने लिया है ये काजल, काजल के लिए मैंने लिया है स्टे क्विकी का काजल ब्लैक बैडेज। सो ये जो काजल है ये सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेटर के साथ आता है एंड मैं इसे अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी गाइज आप देख सकते हैं। सो मैं इसे थिक अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरी आईज़ है वो काफ़ी बोल्ड लगे एंड अट्रैक्टिव लगे, आप देख सकते हैं। एंड जो इसका एप्लीकेटर है वो काफ़ी स्मूथ है सो ये इजीली ये आपकी आईज़ पर अप्लाई हो जाएगी। सो गाइज़ जो ये काजल है इसका जो कलर है ब्लैक वो जेड ब्लैक है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। एंड जो ये काजल है ये स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है। सो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए एंड आप इसे कोई भी वेडिंग मेकअप में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये ब्राइडल के लिए भी काफ़ी अच्छी काजल है। सो ये जो काजल है ये फुल कवरेज काजल है एंड जो आईज़ है उनको रेडिएंट फिनिश देने में हेल्प करती है गाइज एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो ओल्ड डे स्टे करती है अगर आपने इसे मॉर्निंग में लगाया, सो ये आपको नाइट तक अच्छा लुक देगी, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी काजल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए गाइज। मैंने इसे अपनी दोनों आईज पर अप्लाई कर लिया है। देन मैं एक स्मज ब्रश ले रही हूँ एंड इससे मैं जो अपनी काजल है उसे अच्छे से स्मज कर लूँगी एंड देन मैं सेम आई शेडो पैलेट से ये पिंक एंड ऑरेंज कलर लूँगी एंड इसे मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी जो मेरी लोअर लैश है उसके पास। सो गाइज इसे जो मेरी आईज़ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। देन मैं हाईलाइटर के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये
हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर इन द शेड ब्लॉसम ग्लू। सो गाइज ये जो हाइलाइटर है एक हाईली पिगमेंटेड है एंड जो इसका फॉर्मूला है वो सिल्की स्मूथ फॉर्मूला के साथ आता है। सो गाइज ये इजी अप्लाई हो जाएगा एंड मैंने इसे अपनी ब्रो बोन पर अप्लाई किया है ताकि जो मेरी आईज है उसकी शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। सो गाइज मैं इसे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ करूँगी। सो मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है एंड मैं इसे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैं ले रही हूँ ये शुगर का कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्लश इन द शेड 02 पिंक पिनेकल एंड ये जो फॉर्मूला है इसका ये बट्टी सॉफ्ट फॉर्मूला है एंड ये मेरी आइज को मेरे फेस को गोजियस लुक देगा एंड ये 100% सेफ है। सो गाइज मैंने इसे अपनी चिक पर स्माइल करते हुए अप्लाई करा है एंड जो इसका कलर है वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। देन मैं सेम हाईलाइटर वेट एंड वाइल्ड का ले रही हूँ एंड इसे मैं चिक बोन पर अप्लाई करूँगी एक फ्रेंड ब्रश की हेल्प से एंड मैं इसे अपनी नोज पर अपर लिप्स पर एंड चिन पर एंड फोरहेड पर भी इसे अप्लाई करूँगी। सो गाइज ये मैंने अपनी नोज़ पर इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है। सो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लुक देता है ये एंड ये हाईली पिगमेंटेड है सो आपके फेस पर ये रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे फिंगर की हेल्प से भी अपने नोज़ पर अप्लाई किया है। सो मेरी जो नोज़ है वो काफ़ी शाइनी लग रही है। देन मैंने लिया है ये वादी का हर्बल का ये लिप बाम एंड ये लिप बाम है मेरे लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। देन मैंने लिपस्टिक के लिए ली है मियोन की ये लिक्विड मैट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक एंड इन द शेड 44। सो गाइज ये एक रेड बोल्ड कलर है एंड ये जो लिपस्टिक है काफ़ी मिनी है एंड काफ़ी क्यूट भी है। सो गाइज इस ये जो लिपस्टिक है ये 12 का सेट आता है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप जरूर ट्राई कीजिए एंड इसमें जितने भी कलर हैं वो सारे ब्यूटीफुल हैं। सो गाइज मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड देन मैं अपने फेस पर सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। सेटिंग स्प्रे के लिए मैंने ली है लोरियल की सेटिंग स्प्रे एंड मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। देन ये मेरे फेस मेकअप को ड्यूई एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करेगी। सो गाइज आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है? सो मैंने इसके लिए ये सिल्क लहंगा वियर किया है एंड ज्वेलरी वियर की है। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज थैंक यू।